Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the important questions of financial accounting. Some of the theory questions I will be giving you and which will be very important from your exam point of view for attempting the theory as well as objective. So let's start. Hello everyone, so today we are going to discuss the theory questions of TYBCOM semester 6 examination. फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अभी रेगुलर वीडियोज़ डालने वाला हूँ ऑन द वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज सम काइंड ऑफ थियरी क्वेश्चंस विच यू ऑल हैव टू प्रिपेयर. सो जैसे 100 मार्क्स का जो सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन होने वाला है अब TYBCOM का, उसमें ओवरऑल देखा जाए तो स्टूडेंट्स सिर्फ 60 मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो 60 मार्क्स कैसे होता है, बिकॉज यू ऑल आर सॉल्विंग 60 मार्क्स पेपर एज प्रैक्टिकल एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके पूरे थियोरी और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो रिमेनिंग 40 मार्क्स का पेपर जो है वो 20 मार्क्स आपके थियोरी पे आते हैं और 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स एक रिस्क लेके एग्जाम में जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को जस्ट एज अ पार्ट वो पढ़ नहीं रहे हैं. सो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जस्ट थियोरी पे कॉन्सेंट्रेट करें. सो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थियोरी एंड विच काइंड ऑफ थियोरी क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, इतने सारे थियोरी क्वेश्चन आप कैसे पढ़े. सो कुछ एक क्वेश्चन बैंक मैंने लाया है हर मॉड्यूल वाइज, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना. सो लेट्स स्टार्ट विद दी थियोरटिकल क्वेश्चन विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प दी ऑब्जेक्टिव इन दी एग्जामिनेशन ऑल्सो. द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन, दैट इज एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. एंड एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामिनेशन में वो पूछा गया है, एंड दैट इज परचेज कंसिडरेशन एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन. सो ये जो परचेज कंसिडरेशन और मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन है वो आप इस मॉड्यूल में से, इस चैप्टर में से जरूर करना. नेक्स्ट इज द चैप्टर फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये आपको पढ़ना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये आपका लिक्विडेशन का चैप्टर है, तो मोड्स क्या क्या है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वो सारे आपको इस क्वेश्चन में पढ़ के लिखने पड़ेंगे. सो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर्स है वो आपको पढ़ने हैं. द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम चैप्टर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. द नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं, वो वेजेस और सैलरीज वाले जो पॉइंट है, फिर टैक्सेस ड्यू जो है लास्ट 12 मंथ्स के, फिर सैलरीज एंड वेजेस के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो 20,000 एम्प्लॉय का लिमिट है और 4 मंथ्स का, वो सब आपको इसमें लिखना है. जब आप इसके रिलेटेड थोड़ा थियरी पढ़ोगे तब आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखना है. सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैन ऑल्सो बी आस्क एज अ शॉर्ट नोट. लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थियरी फैक्टर में लिखना है. जैसे आपको दो क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, और उसके ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट आपको 4 शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के लिए आपको लिखने हैं, तो आप बेसिकली शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करना, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में हमको ज़्यादा मार्क्स मिलने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. वहाँ दो क्वेश्चन के 10-10 मार्क के, यहाँ 4 शॉर्ट नोट अगर आप लिखोगे तो, सिंस हमारे पास मैटर कम होता है तो हम 4 शॉर्ट नोट ही लिख पाएंगे. दैट विल बी बेटर फॉर अस टू स्कोर मोर इन द एग्जामिनेशन. सो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट विच कैन बी आस्क्ड टू यू. नेक्स्ट चैप्टर जो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वहाँ से आपको पूछा जाता है, जा सकता है अंडरराइटिंग कमीशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग आ सकता है, या लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स भी एक शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज द चैप्टर एडवांटेजेस ऑफ LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो LLP के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो देखें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ से भी क्लियर हो जा सकते हैं.
एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर हम किसको बोलेंगे, एंड एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी। सो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क। सो हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। आप अगर इतने क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो उसका फायदा आपको थियरी के लिए होगा ही होगा, बट यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फॉर अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव इन द एग्जाम, और आपको ऑब्जेक्टिव्स से अच्छे मार्क्स और मिल पाएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द प्रैक्टिकल्स एंड दे आर इग्नोरिंग द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, मैं जल्दी ही कॉस्टिंग के बारे में, टैक्स के बारे में भी काफ़ी सारे लेसन अभी डालने वाला हूँ रिगार्डिंग दी थियरी क्वेश्चन एज कंसर्न। और जल्द ही जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि कॉस्ट कंट्रोल पे एक वीडियो डाले, तो इंटीग्रेटेड कॉस्ट, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का डिफरेंस के साथ आपको नॉन इंटीग्रेटेड में क्या बेसिक जर्नल एंट्रीज है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है उसके बारे में भी एक लेसन आएगा। तो इसीलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि वो उनको भी जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस पता चले और वो भी अपने प्रिपरेशंस करके एग्जामिनेशन अच्छे दे पाए। तो दैट वाज द वीडियो, टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।